जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू बेणु गोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 11 विश्वरूप सदर्शन योग श्लोक 46। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम् तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ओम। गीता 4 श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के विश्वरूप सदर्शन योग के उपदेश दे रहल बानी। उ क्रम में विश्वरूप के देखला के बाद अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करत बाड़े। हे श्री कृष्ण परमात्मा, अवरौरा ई विशाल रूप में हजारों भुजा सहित पूरा ब्रह्मांड के आपन शरीर के रूप में धारण करत देखल जा रहल बानी, लेकिन रौरा सौम्य और मनोहर रूप देखल चाहत बानी। हे श्री कृष्ण परमात्मा, हम आपके चतुर्भुज के सुंदर रूप के देखे के चाहत बानी, जे के मुकुट पहरे, गदा धारण करे और चक्र धारण करे ले। कृपया कहके उ चतुर्भुज रूप हमका दिखाई। इस तरह से अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना कर रहे वाले कि उनका के प्राकृतिक चतुर्भुज के सुखद रूप में दर्शन दे। हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा के सबसे सुखद रूप की कल्पना करी जा और उ रूप में ध्यान करत रही जा। श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण के शरण लेके अपन जीवन सार्थक बनावे की कोशिश कत घरी अर्जुन के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावे की कोशिश करी जा। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जे के मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सब की कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सब के कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गए लू,
हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित वा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उई करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम् द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ओम। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।